ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଥରକ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି ଯାହାକି ଭତ୍ତାର ରାଶି ଅଲରେଡ଼ି ବଢ଼ିସାରିଛି। 3,500 ଟଙ୍କା ଏଥରକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ତ କେବେଠାରୁ ମିଳିବ, କ'ଣ ଆସିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ତା ସହିତ ଏହି 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। जय जगन्नाथ, मुझे देवाशीष स्वागत करुच्छी आम एक नुआ भिड को। भिडियोटी पसंद लगे भिडियो को निहाती लाइक करेंगे, चैनल को नुआ आसते ही चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टीपी अल्ले सिलेक्ट करने को जमार भी भूलें ना। जमीक आप जानते निर्वाचन समय रे बीजेपी भत्ता वृद्धि करने प्रतिश्रुति पूरण कर पारा ना, से वयस्क नागरिकों मध्य असंतोष देखा मिलूँ। जदि ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन कै ताहले वयस्क नागरिक विधवा और भिन्नक्षम भत्ता वृद्धि करा दरकार, किंतु बीजेपी सरकार निर्वाचन समय रे प्रतिश्रुति एपर्यंत भत्ता 3,000 टंका करिनथिबारु जन असंतोष वृद्धि पाई। बजेट अधिवेशन रे 80 वर्ष रु अधिक वयस्क 80% रु अधिक थिबा भिन्नक्षम 3,500 टंका भत्ता पाइबाकु नै घोषणा करा जाइथिला, किंतु 60 रु अधिक और 80% रु कम वयस्क व्यक्ति को निराश करा जाइछि। राज्य रे बीजेपी सरकार आसिले भत्ता 1,000 रु 3,000 टंका वृद्धि करा जिवो बोली घोषणा करा जाइथिला, सेथिपई वयस्क लोक माने उत्साहित होई बीजेपी को वोट देथिले, किंतु बीजेपी सरकार को आसीबा परे सब प्रतिश्रुति भूली जाइछि बोली वर्तमान कहा जाउछि। किंतु जहाकि अपडेट ऑलरेडी जमीति कि आप जानते भत्ता राशि वृद्धि हो जाइए 3,500 टंका मिले बोली अपडेट आसी सारी, किंतु ए पर्यानी लोक मानू मिलना तो अगस्ट मसरे मिलबार थिला, किंतु यार समय को परिवर्तन कर दिगला। अगस्ट मसरे आउ वर्धित राशि जो भत्ता वृद्धि पाइला ता दिगला ना, तो एवं सूचना गोटे मिलू जहाँकि सेप्टेम्बर मसरु भत्ता वृद्धि हेब आ जो मैंने योग्य हिताधिकारी से मैंने वर्धित भत्ता पाइबे बोली अपडेट मिलू जहाँकि आउ ये अगस्ट मसरे मिलबनी, सेप्टेम्बर 17 तारिखर आपन को वर्धित भत्ता लागू करा जीवो बोली अपडेट देखिबा को मिलुछि।